होंडा ने ऑफिशियली अपनी मिड साइज होंडा एलिवेट को ऑफिशियली रिवील कर दिया है और इसकी बुकिंग्स भी स्टार्ट हो गई हैं। इस कार का कंपटीशन और जैसी मिड साइज से होने वाला है और अगर आप भी होंडा एलिवेट बुक करने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को कम्प्लीट देखेगा क्योंकि आज की इस वीडियो में हम होंडा एलिवेट के कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव प्वांट्स कवर करने वाले हैं तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके पॉजिटिव की केबिन स्पेस होंडा एलिवेट में आपको 2650 सिक्स mm का व्हील बेस ऑफर किया जाता है जो बाकी सारी मिड साइज एस से सबसे ज्यादा है इस कैटेगरी में टाइगोन और कुसाक का व्हील बेस ही इसी के आसपास आता है बाकी सबका इससे बहुत कम है तो ज्यादा व्हील बेस होने के कारण आपको एलिवेट के सेकेंड रो में बहुत अच्छा कंफर्ट देखने को मिलेगा और केबिन स्पेस में भी कोई कमी एस नहीं होने वाली है सेकंड रिलायबल एंड रिफाइंड इंजन होंडा एलिवेट में आपको 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है जो ऑलरेडी होंडा सिटी में काफी समय से यूज हो रहा है जिसकी वजह से यह इंजन ट्राइड और टेस्टेड कैटेगरी में आता है और इसकी रिलायबिलिटी पे कोई भी सवाल नहीं उठता है दोस्तों इसके साथ ही साथ आपको होंडा एलिवेट में सीवी ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा जो की कॉम्पिटिशन में प्रोवाइड करे गए डी ट्रांसमिशन से काफी ज्यादा रिलायबल होता है थर्ड है डिजाइन होंडा एलिवेट के अगर डिजाइन को आप चेक करोगे तो आपको एकदम प्रॉपर बल्कि एसूवी जैसा फील देने वाली है और इस डिजाइन को लोग काफी समय तक पसंद करने वाले हैं क्योंकि इसके डिजाइन के साथ बहुत ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करी गई है जैसे कि बाकी कंपनी करती हैं हालांकि डिजाइन अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव हो सकता है लेकिन फिर भी अगर आप इसके ओवरऑल डिजाइन को देखेंगे तो काफी सिंपल और सुअर रखने की कोशिश करी गई है फोर्थ है एडास होंडा एलिवेट में आपको होंडा सिटी जैसे ही अडास वाला सिस्टम देखने को मिलता है जिसमें आपको एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल लेन की असिस्ट ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग और ऑटोमेटिक हाई बीम जैसे फीचर्स ऑफर किए जाते हैं प्रेजेंटली इस कैटेगरी में आपको एस्टर और किया सेल्टोस में ही अडास जैसे फीचर्स ऑफर किए जाते हैं जिसकी वजह से एलिवेट आपकी थर्ल्ड ऐसी कार हो जाएगी जिसमें आपको अडास जैसे फीचर्स देखने को मिलेंगे फिफ्थ है सेफ्टी होंडा एलिवेट होंडा सिटी वाले प्लेटफॉर्म पे ही बनाई गई है और होंडा सिटी का तो आपको पता ही है एशियन एन कैप में फाइव आउट ऑफ फाइव स्टार लेके आ चुकी है बाकी होंडा ने भी एलिवेट का इंटरनल क्रैश टेस्ट किया है सारे इंटरनेशनल पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए और इसमें भी इसने काफी अच्छा परफॉर्म किया है तो ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि जब भी एलिवेट का क्रैश टेस्ट होगा तो कम से कम फोर स्टार तो ये लेके आएगी ही ये तो थे सारे पॉजिटिव चलिए अब बात कर लेते हैं इसके कुछ नेगेटिव की पॉइंट नंबर वन है इंजन आपको होंडा एलिवेट में 1.5 लीटर का एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है जो 119 पी की पावर और 145 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है नॉर्मल कस्टमर्स की बात करें तो ये इंजन उनके लिए सफिशियंट पावर और टॉर्क जनरेट करता है लेकिन अगर एक कार इंथुजिया के परस्पेक्टिव से देखा जाए तो ये सफिशियंट नहीं होगा साथ ही साथ आपको होंडा एलिवेट में कोई भी टर्बो इंजन का ऑप्शन नहीं मिलता है और ना ही आपको डीजल इंजन का ऑप्शन दिया गया है दोस्तों पॉइंट नंबर टू है मिसिंग फीचर्स हालांकि ओण्डा एलिवेट अपनी इस कैटेगरी में बहुत लेट है लेकिन लेट होने के बावजूद भी इसने इंडियन कस्टमर्स को काफी अच्छे से नहीं समझा है इसमें बहुत सारे फीचर्स जैसे कि पेनारोमिक सन रूफ वेंटिलेटेड सीट्स इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट्स और 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स मिसिंग हैं और ये सारे फीचर्स प्रेजेंटली इसके कॉम्पटिशन में आपको प्रोवाइड किए जाते हैं थर्ड पॉइंट है, है माइलेज होंडा के 1.5 लीटर नेचुरल इंजन की माइलेज आपको 15.3 क्लेम करी गई है जो रियल वर्ल्ड में उससे भी कम आने वाली है वहीं पर अगर आप सेल्टोस की, बात करें, की तो सेवनटीन पॉइंट वन के एम की माइलेज वो देता है कुशाक आपको टर्बो पेट्रोल इंजन में 18.6 पॉइंट के एम की माइलेज क्लेम करता है विटारा की बात करी जाए तो वन पॉइंट फाइव लीटर आपको इक्कीस के की माइलेज प्रोवाइड विद मैनुअल ट्रांसमिशन तो माइलेज के रेस में भी होंडा एलिवेट काफी पीछे है क्योंकि इसके बाकी सारे कॉम्पिटिशन इससे अच्छा माइलेज प्रोवाइड करते हैं तो अगर आप माइलेज वगैरह भी ध्यान रखते हैं तो मुझको नहीं लगता कि होंडा एलिवेट आपके लिए बनी है फोर्थ पॉइंट है इसकी प्राइसिंग हालांकि होंडा एलिवेट की अभी भी प्राइसिंग रिवील नहीं करी गई है लेकिन सबको पता है कि ये आपके होंडा सिटी के प्लेटफॉर्म पे बनी है और उससे कई ज़्यादा फीचर्स ये ऑफर करती है तो होंडा एलिवेट के टॉप मॉडल की प्राइस 18 से 20 लाख कंसीडर करी जा सकती है और इस प्राइस रेंज में इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं जैसे कि करेटा हो गया सेल्टोस हो गया वो आपको कई सारे फीचर्स और कई सारे इंजन ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं और अगर इसकी प्राइस को बाकी के कॉम्पिटिटर्स के बराबर भी अगर रखा जाए तो इसमें बाकी कार्स है ना बहुत कम फीचर्स आपको ऑफर किए जाते हैं तो इससे ये तो पता चल जाता है कि होंडा एलिवेट जिस प्राइस बैकेट में फॉल करेगी वो आपका वैल्यू फॉर मनी तो नहीं होने वाला है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रॉस एंड कॉन्स के बाद अगर आप होंडा एलिवेट लेने की सोच रहे तो आपको थोड़ी बहुत मदद तो मिल ही जाएगी इसी के साथ आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी और वीडियोस देखने के लिए तो चलिए आज के लिए बस इतना ही नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए जय हिंद जय जै भारत